गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हेलो अल्किन हेलो एरिन, उसके आज मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे आपको। वो नोट्स राइट करने आपको होती है, उसके बाद ये यूनिट पूरी होने के बाद एक बार सारी यूनिट का रिवीजन करवा देंगे फेसबुक के ऊपर। तो हमने कल कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कल कौन सी रिएक्शन जानी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि एक हैलोजन है, उसको हमने किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या कर दिया था? सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मान लीजिए इस टाइप की रिएक्शन हमने जानी थी कि कोई भी हैलोजन है, उसको हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल से इसको हमने क्या कर दिया था? सब्स्टिट्यूट कर दिया था, इसको यहाँ से हटा दिया था और यहाँ पर लगा दिया था न्यूक्लियोफाइल। इस तरह की कल हमने रिएक्शन जानी थी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये एक्स जो है हैलोजन के एक्स नेगेटिव के रूप में बाहर हो गया। ठीक है, तो आज हम दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। वो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो दूसरे टाइप का रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे टाइप का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन एलिमिनेट होना, कुछ सब्सटेंस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन। हम वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट कर दे किसी को, बाहर कर दे और उसकी जगह कोई और ऐड कर दे, उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी जनरल फॉर्म आप देखेंगे, जनरल फॉर्म बना रहा हूं मैं, ध्यान देंगे बेटा। सी हमारे लिए कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ क्या होगा? कार्बन की वैलेंस कितने से चार होते हैं, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन चेन हो सकता है, यहाँ क्या होगा? हैलोजन होगा कोई भी। ठीक है, मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, इसके बाद इसकी एक एग्जांपल लेके समझा देंगे। अब होगा क्या, कोई भी बेस आएगा, कोई भी बेस आएगा। बेस कौन होते हैं? जिसके ऊपर OH नेगेटिव होता है। मान लीजिए बेस आएगा कोई भी बी नेगेटिव के रूप में, वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेगा और ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये वाला जो एक्स है ये बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं बेटा लिविंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप है। ये जो एक्स है ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप है। एक्स है, ये कैसा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप है। एक बार एलिमिनेट लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको। ये ग्रुप क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये बेस है, ये क्या करेगा? इस एच को लेगा, ये एच अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और यहाँ से एक्स बाहर निकल जाएगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ ये एच चला गया कार्बन के पास, कितने यहाँ हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बन चेन हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और आ गए थे, कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। ये सी ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, प्लस एक्स नेगेटिव, प्लस एक्स नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 11th क्लास में पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात का ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया CH3 CH2, इसको खोल के लिख लिया मैंने और क्या लिख लिया यहाँ Br है मान लीजिए, प्लस मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक, AlC का मतलब होता है अल्कोहलिक KOH के साथ, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। अब ध्यान दें, ये टूटेगा जो अल्कोहलिक KH है, ये टूटेगा के प्लस में और OH नेगेटिव, ये कौन है? बेस है। मैं पिछली तरह से ही कर रहा हूँ, यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा और ये किसको ले लेगा? इस हाइड्रोजन को ले लेगा एच प्लस के रूप में, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाएगा और यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा? Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, आपने वाली लेना प्रोडक्ट, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या बचा? कार्बन। ये हाइड्रोजन गया, कितने हाइड्रोजन बचे? दो हाइड्रोजन बचे। सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया।
नेक्स्ट, अब यहाँ बी आर चला गया, ये एच से और ये एच यहाँ से बी आर चला गया, प्लस बी आर नेगेटिव और के पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, के बी आर, और ओ एच नेगेटिव से और एच से क्या बन जाएगा, एच ओ। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि रिएक्शन हुआ कैसे, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुई इसके अंदर, ये इसका क्या है मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछता है कि मैकेनिज्म ये रिएक्शन हुई कैसे। अदरवाइज हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे, डायरेक्ट प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए क्या है सी एच थ्री है, सी एच टू है और क्या है बी आर है, प्लस इसमें अगर अल्कोहलिक COH डाल दिया तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस के बी आर प्लस एच टू ओ, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अब ये हुई कैसे, ये मैकेनिज्म से मैंने समझाया कि इसका प्रोडक्ट ऐसे बना, इसका प्रोडक्ट बनने के लिए इसके अंदर ये स्टेप क्या हुए, इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन स्टेप का क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, ये है कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेता हूं भाई, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, ध्यान दें। एग्जाम्पल ये है नेक्स्ट, इसमें एक रूल फॉलो होगा जो आपने पहले भी पढ़ा है। देखिए एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल होता सी एच थ्री सी एच टू सी एच और यहाँ होता बी आर और यहाँ होता सी एच थ्री प्लस लिख देता अल्कोहलिक के ओ एच, प्रोडक्ट बताइए, प्लस लिख देता क्या, अल्कोहलिक के ओ एच प्रोडक्ट बताइए। अब इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अब इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट, दोनों देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं, ध्यान दे बेटा। सी एच थ्री में थोड़ा सा ध्यान देगा तो ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, ये सी एच बी आर है और इसको मैं खोल के लिख देता हूँ एच एच और एच। ठीक है, सी एच थ्री को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्कोहलिक OH क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ, क्या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, बी आर बाहर हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ क्या बचा सी एच, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बचा सी एच टू। ठीक है, प्लस एच टू प्लस के बी आर प्लस एच टू प्लस ए बी। ठीक है, आई की बात समझ में, एक तो ये संभावना हो सकती है, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं सी एच थ्री सी एच टू, इसको लिखें क्या, इस सी एच टू को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है हाइड्रोजन को खोल के लिख देता हूँ, चलो मैं दोनों खोल के लिख, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कौन है सी एच है, इसके बाद कौन है बी आर है, इसके बाद कौन है सी एच थ्री है। ठीक है भाई, हो सकता है इस बार ओ एच इस हाइड्रोजन को ले ले, दो संभावनाएं हैं, इस हाइड्रोजन को ले ले यहां से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे और यहां से ये बी आर बाहर हो जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए दोनों संभावनाएं जाहिर कर रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बना सी एच थ्री, यहां से एच गया क्या बचा सी एच, यहां डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल था इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड, यहां क्या बचा सी एच और यहां क्या बन गया सी एच थ्री। अगली बात समझ में, अब दो प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट तो एक बनेगा, ये हमें देखना है कि कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, ये बात हम देखेंगे कि मेन प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा। तो मेन प्रोडक्ट देखने के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर है और ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है, मीन्स ये प्रोडक्ट बनेगा 80% या 90%, मीन्स इस प्रोडक्ट को हम प्रीफर करेंगे, ये 10% बनेगा, इसको प्रीफर नहीं करेंगे। अब ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनता है, एक रूल है
षट्जम रूल, षट्जम रूल बोलते हैं इसको। ये तो रूल है, ये कहता है, ये रूल कहता है इसमें क्या बनता है, अल्कीन बनता है। दोनों में क्या बनता है, डबल बोन बनता है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है अल्कीन के पास, एक और दो तीन। इसके पास कितने हैं डबल बोन के पास, दो। ये रूल कहता है द डबल बॉन्ड गोज इन बिटवीन द कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड उन कार्बन के बीच में जाना पसंद करेगा जिन कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिनके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है, उनके पास जाना पसंद करेगा। मीन्स इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास कितने, तीन हाइड्रोजन। जिस प्रकार आपने मार्कोनी को रूल पढ़ा था, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसी प्रकार से डबल बॉन्ड गोज इन बिटवीन द कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, षट्जम रूल की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इनकी बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। मैंने तीन टाइप की लिखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तीसरी टाइप और पढ़ लेते हैं हम। इसी के साथ ये जो चैप्टर है, हेलो अल्केन वाला पार्ट खत्म हो गया, इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट शुरू करेंगे बाद में, हेलो एनिल्स। अब तीसरी जो टाइप की रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए मेटल के साथ हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए CH3, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 CH2 Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। देखिए होता क्या है, जो मेटल है मैग्नीशियम, ये इंसर्ट हो जाता है इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ये जो मैग्नीशियम मेटल है, ये इंसर्ट हो जाता है इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 Mg Br। इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह की फॉर्म को, मेटल अगर हेलोजन के बीच में है मैग्नीशियम, तो उसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RMGX। आर क्या हो सकता है, कार्बन की चेन, CH3 ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम ले लिया, एक्स आप क्लोरीन ले लेंगे, तो भी क्या है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इसको GR से लिखते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आर की जगह आप कार्बन कितने भी ले सकते हैं, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है, Mg आपने क्या लिख दिया, I लिख दिया, ये भी क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। RMGX फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब यह एक छोटा सा प्रश्न पूछता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम जब बनाते हैं तो वहां मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नोट्स में लिखा हुआ है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं बनाते, क्यों, उसका भी मैं रीजन देता हूं। मान लीजिए ड्राई इथर लिखा मैंने एरो के ऊपर, देखो जब मैं बना रहा था CH3 CH2 Br प्लस Mg, तो मैंने यहां क्या लिखा, ड्राई इथर, यहां मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, नहीं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों पूछ लेता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम अनहाइड्रस कंडीशन में, मींस पानी ना हो वहां बनाते हैं, मॉइस्चर ना हो वहां बनाते हैं। अगर मॉइस्चर होता है तो ये क्या बना लेता है, हमें देखना यही है कि अगर मॉइस्चर होगा तो ये क्या बना लेगा। मान लीजिए RMGX है,
आर एन जी एक्स है, द्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर है H2O है तो ध्यान दें ये प्रोडक्ट क्या बना लेता है, H2O किस में टूटता है, H प्लस में और OH नेगेटिव में, H प्लस में और OH नेगेटिव में टूटता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना लेता है, ये वाला पार्ट इसमें नेगेटिव होता है और ये एम जी एक्स वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ये एक तो आर एच बन जाता है अल्किन, प्लस क्या बनेगा एम जी ओ एच एक्स, एम जी ओ एच एक्स अगर नमी होगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस नमी के साथ रिएक्शन करके अल्किन बना लेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल नहीं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH3CH2Br प्लस मैंने क्या डाल दिया CH3CH2MgBr, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्लस उसमें पानी है तो पानी किसमें टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में, ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ कौन जाएगा H जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा CH3 अल्केन बन गया भाई, इसका क्या नाम है इथेन, प्लस MgOHBr प्लस MgOHBr। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं नमी होगी तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा अल्केन बन जाएगा, जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का, अगर एक का है तो मीथेन, दो का है तो इथेन, तीन का है तो प्रोपेन ब्यूटेन एंड सो ऑन, जितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उतने कार्बन का क्या बन जाएगा इथेन बन जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने देखा था और इसको रिएजेंट के लिए यूज किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन ये क्या होता है, मान लीजिए आर एक्स है प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, ये दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं और वो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखिए क्या बनता है N2NaX बाहर क्या हो गया माइनस 2NaX और बन गया क्या R, इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए एग्जांपल ये है CH3Cl प्लस 2Na और इसके रिएक्शन करवा दें किसके साथ CH3 के साथ, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बार हो जाएगा 2NaCl और बनेगा क्या बचेगा क्या CH3 प्लस 2NaCl, ये किसका एग्जांपल हो गया वर्ड्स रिएक्शन का। कोई कहते क्लोरो इसका क्या नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम मिथाइल इसका क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करती किसमें इथेन में, डबल कार्बन हो जाते हैं इसमें, दो मॉलिक्यूल ऐसे लेंगे अपनी मर्जी से सोडियम के साथ रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा इथेन, पहला पार्ट खत्म हो गया हेलो अल्केन जो है वो खत्म हो गया है भाई। अब हेलो एरिक्स हम पढ़ेंगे मंडे से, अब पढ़ना शुरू करते, एक पार्ट खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।